देखिए ये पूरी तरीके से राजनीतिक वो है और नमाज और हनुमान चालीसा का एक गंदा खेल खेला जा रहा है। राजनीति कहाँ हो रहा है मैम, राजनीति ये नहीं कहा जा रहा है। सही है कि भाई जो पढ़ने वाला जो कोई जो भाई कोई सो रहा है ऐसा कर, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कि हिंदुओं को हम पेट्रोल 50 रुपया देंगे, मुसलमानों को 120 रुपया देंगे। 400 रुपए 500 रुपए कमा रहा है, आगे कुछ बढ़ी नहीं रहा है सरकार। महादेव भैया, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम मौजूद हैं बनारस की चाय की अड़ी पर, उस अड़ी पर जहां ना कोई जात पात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई और बानगी। यहाँ बस चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चा हो या फिर सामाजिक मुद्दों की चर्चा हो, तमाम अलग अलग बिंदुओं पर लोग बातचीत करने लगते हैं। तो आजकल एक चर्चा भी सरेआम चल रही है, वो चर्चा है नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का। कहा जाने लगा कि भैया अगर मंदिरों में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो मस्जिदों में भी जो है नमाज लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ा जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरीके के विवाद खड़े हुए। हालांकि इस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी, ये कहते हुए कि सभी धार्मिक स्थलों से मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएंगे। लेकिन आम जनमानस क्या सोचता है, हनुमान चालीसा वर्सेस नमाज का मुद्दा आम जनमानस के बीच में कैसा है? क्या अब यही एक मुद्दा रह गया है या अभी भी रोजगार व आम जनमानस के जीवन पर चर्चा करने की बात करना बाकी है? तो यहाँ हम अड़ी पर आए थे, यहाँ लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, हमने सोचा कहीं ना इनसे बतिया के समझ लेते हैं कि भैया इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। पंडित जी, शुरुआत आपसे, तिलकधारी हैं, चुटिया भी रखे हुए हैं, आजकल नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा बड़ी जोरों से चल रहा है, आपकी क्या अपनी राय है? देखिए ये पूरी तरीके से राजनीतिक वो है, कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं करता है, ये खास तौर पे बनारस है, और ना ही यहाँ का कोई मुसलमान जो है किसी हिंदू के ऊपर कोई पथराव आपने सुना बनारस में। सिर्फ और सिर्फ राजनीति का चस्का है और राजनीति में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। कोई हिंदू किसी मुसलमान से नहीं जलन रख रहा है, नफरत रख रहा है, ना ही कोई मुसलमान कोई हिंदू से नफरत रख रहा है, कोई बनारस के किसी गलियों में बता दीजिए। तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित खेल है और नमाज और हनुमान चालीसा का एक गंदा खेल खेला जा रहा है। तो आजकल एक मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर वाला, क्या लगता है बनारस का जो आम जनमानस है, बनारस का मुसलमान क्या सोचता है? सबसे पहले जो है आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूँगा कि नमाज और अजान या आपका जो कोई जो धर्म है जी। समझ गई, तो मतलब ये रखता है कि अजान अपने अपने वक्त से होता है और नमाज के साथ अजान के साथ नमाज भी अपने वक्त से होता है। ऐसा नहीं कि जो है 24 घंटा जो है कलम से लाउड स्पीकर जो है कलम से चालू रहता है, वक्त होता है, वक्त के तहत जो है अजान होता है, नमाज होता है, फिर वो बंद हो जाता है। इसके वजह से हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो है अगर से यदि मान लीजिए कि इस पर आपत्ति अगर से लगाना है तो उस पर इस तरीके से कहें कि जो भाई अगर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं मस्जिदों में लाउड स्पीकर वगैरह के लिए, उस पर जो रजिस्ट्रेशन वो करवा लें, रजिस्ट्रेशन तक का जो बात जो माना जा सकता है, एकदम हटाओ और गिराओ वाली बात पे तो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये चाहे आपका जो धर्म हो चाहे हमारा धर्म हो, दोनों मजहब सेम है। अगर से लोग कहता है कि नहीं सेम नहीं है तो हमें कोई बता दे कि सेम नहीं है। अरे हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, दोनों तो एक ही हैं। सवाल ये है कि जो देखिए हमें कोई मैल नहीं है, सवाल जो मुद्दे हैं उस पर मैं जो कहा हूँ कि एक धर्म की बात है, चाहे आपका मजहब हो चाहे मेरा जो मजहब हो, हाँ साथ मिल के चलना चाहिए। सहमत है चाचा? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही हिंदुस्तान का एक कल्चर। चाचा क्या लग रहा है, अब लाउड स्पीकर मुद्दा रह गया, अब रोजगार नौकरी चाकरी भूख ये सब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? देखिए आज के आधुनिक समय में मनुष्य अपने पैसे के लिए रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं, विकास के लिए जो परिधि होनी चाहिए उसको छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर। राम और रहीम, मंदिर और मस्जिद, अजान और हनुमान चालीसा, ये सब तो अलग टाइम है, इस समय श्रम की ज़रूरत है। मजदूर श्रम कर रहा है, उसको सही रोटी नहीं मिल पा रही है। अब सोचिए आज के समय में
इस समय अगर आदमी धर्म के पीछे लड़ेगा, जो रोटी और पानी और नौकरी और रोटी और रोजी की बात कहाँ जाएगी। सद्दाम भाई, क्या लग रहा है जो ये मुद्दा चल रहा है, क्या चल रहा है? रोजगार का मुद्दा रखना चाहिए, लाउड स्पीकर खेलना चाहिए? देखिए, रोजगार का मुद्दा ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इतना गरीबी है कि मतलब आदमी कितना 400 रुपए 500 रुपए कमा रहा है, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है सरकार। इस वजह से ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अजान और रामायण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर, ये गलत है। रोजगार लाओ, अपने देश में रोजगार चाहिए। मैं तो सहमत हूँ। और जो नमाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो हो रहा है, ये पूरी राजनीति है। क्या आपने अपने ईटीवी भारत में कभी ये देखा है कि किसी नेता का बेटा मस्जिदों पे झंडा टांगे? नेता का बेटा तो लंदन में अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन नेता एक तुच्छ राजनीति करके अपनी रोटी सेक रहा है, उसी तुच्छ राजनीति से अपने बेटों को पढ़ा रहा है, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। आप देखिए बिजली का बिल कितना महंगा हो चुका, उस पर कोई बात नहीं होगी। पूरी तरीके से मतलब कि दोहरी चरण की राजनीति जिसको कहते हैं, वो पूरी इसमें हो रही है। आम जनमानस में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप देख लीजिए, यही बनारस नगरी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई पथराव, कोई ईंट नहीं। एक ही घाट पे बैठते हैं, मुल्ला जी भी पंडित जी भी बैठते हैं। पंडित जी का पूजा करने का समय होता है, वो अपनी घंटी लेके चले जाते हैं। मुल्ला जी को नमाज करना हो तो अपना नमाज करने चले जाते हैं अपने समय पे। लेकिन जो ये नेता लोग हैं, ये पूरी तरीके से आगजनी का काम करना यही करते हैं। रास्ता की तस्वीर आपको इस साड़ी पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर तिलकधारी भी मौजूद है, टोपीधारी भी मौजूद है, जो आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब किस ओर जाना चाहिए, राजनीतिक कदम भी किस ओर उठाना चाहिए, किस तरीके की सोच की जरूरत है ऐसी भ्रामक बातों के लिए? नहीं नहीं, देखिए हम एक बात हम बताएं, हिंदू धर्म के लोग हों, उनके जो चूँकि धर्म का बात है, तो जो धर्म गुरु हैं वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं को इस समय शांति मार्च करना चाहिए। मेरा तो एक अपील है जो है, और जिस भी जनता को इस राजनीति के खिलाफ जो ये राजनीति चल रहा है, धर्म की बाजारीकरण हो रही है, धर्म कोई इज्जत नहीं हो रहा है बहन जी, धर्म को बेच देना है। अब एक बात बताइए, ये कहाँ लिखा हुआ था कि हमारा हिंदू धर्म का झंडा जो है मस्जिद पे टंगेगा तब वह हिंदू धर्म बचेगा? हिंदू एक तरफ खतरे में है, जो विजुअल जो वीडियोस आप देख रही हैं देश के अंदर, हिंदू खतरे में है। डरा हुआ हिंदू जो है इतना हिम्मती हो गया कि जाकर के मस्जिद पर जो है टांग दिया, और उससे हमारा हिंदू धर्म बचेगा? नहीं, हमारा हिंदू धर्म बहुत महान धर्म है, और उस धर्म के अनुसार इसी बनारस के परंपरा के तहत यही बिस्मिल्ला खान जी थे ना, अकोदई महाराज थे, हमारे छन्नू लाल मिश्र जी और बिस्मिल्ला खान जी तो कभी बनारस को नहीं बांटे, ना हिंदू किए ना मुसलमान किए, ना मस्जिद बचा ना मंदिर टूटा। ये बनारस है और हम लोग बनारस को बचाना चाहते हैं, इसलिए इस बात को, इस हवा को आगे नहीं ले जाएंगे। कोई और भी अगर शहर को जलाने की जरूरत करेगा तो उसको मुकम्मल जवाब रोका जाएगा। भैया एक बात बताइए, जो मंदिरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की बात चल रही थी, क्या लगता है मुद्दा सही है गलत? सरासर मैडम गलत है। हिंदू मुस्लिम एक ही सही, आपस में सब भाई भाई, तो ये सब खाली फालतू मतलब अफवाह उड़ाना है। आम आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, परेशान है, मगर इन सब राजनीतियों में लेके खाली गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। गरीब जो है वो परेशान हो रहा है। यहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। चर्चाएं बड़ी जोरों पर चल रही हैं आप लोगों की, आजकल एक चर्चा बड़ी आम चल रही है, लाउड स्पीकर। क्या लगता है मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर का मुद्दा सही है गलत? ये तो सही है मैम, एकदम सही है। सही है भैया, सही है ये कि भाई जो पढ़ने वाला जो कोई जो भाई कोई सो रहा है ऐसा कर अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद हो, ना गाना बजा के ना नमाज पढ़ के। तो लाउड स्पीकर, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नमाज लाउड स्पीकर पे होगी तो हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएं, ये तो गलत है कि नमाज लाउड स्पीकर पे हो, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे हो, ऐसा हो कि मतलब किसी को डिस्टर्ब ना हो, चाहे नमाज हो चाहे हनुमान चालीसा हो। क्या लगता है भैया, ये जो लाउड स्पीकर का खेला चल रहा है, ये सही है कि राजनीति है? राजनीति कहाँ हो रहा है मैम, राजनीति ये नहीं कहा जाएगा। इसको तो मान लीजिए कि मंदिर हो मस्जिद हो जो भी हो, लाउड स्पीकर नहीं लगेगा तो भी सही रहेगा। ये तो थोड़े है कि अनजान आप पढ़ रहे हैं तो उसको माइक में ही अनाउंस करके बताएंगे, तभी तो उसको अनजान कहा गया। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, उसके एवज में जो है नमाज के एवज में हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया, सही है? मुख्यमंत्री जी चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो मंदिर मस्जिद दोनों पर रोक लगा रहे हैं, एक पर लगा नहीं रहे हैं, तो जब दोनों पर रोक लगा रहे तो बात सही कर रहे हैं। मुद्दा बना रहे हैं, क्या लगता है ये मुद्दा है कि रोजगार और रोटी मुद्दा हो? यहाँ तो हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, हम लोग को तो रोजगार चाहिए, हम लोग को तो धंधा में खुद मंदा चल रहा है।
डीजल की भाव बढ़ रही है। देखिए रोजगार और रोटी इस समय बड़ा मुद्दा है, जो इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लाउड स्पीकर की चर्चा जो चल रही है, यहाँ के लोगों का कहना था कि वो चर्चा नहीं है, सही है ना भैया? ये बिल्कुल चर्चा नहीं है। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम लोग हिंदू और मुसलमान से पहले एक इंसान है, एक भारतीय है। ऐसा नहीं है मैडम कि वो पेट्रोल 120 रुपए 110 रुपए मिल रहा है, अगर हिंदुत्व की सरकार है तो क्यों नहीं कहती कि हिंदुओं को हम पेट्रोल 50 रुपए देंगे, मुसलमानों को 120 रुपए देंगे? क्या इस मुद्दे पे बात नहीं हो सकती है? रोजी रोजगार पे बात नहीं हो सकती है? सरसों के तेल पे बात नहीं हो सकती है? इस पे बात नहीं करना है? बात कर देंगे हिंदू मुस्लिम अजान और क्या कहते हैं कि लाउड स्पीकर की, क्या मतलब है ये? तो सुन ली भैया आपने लोगों की बात कि लोग क्या कहते हैं। हम धर्मनगरी काशी में मौजूद हैं, जो काशी गंगा यमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व में जिस काशी की मिसाल दी जाती है, ये वही काशी है जहां माँ देवी दुर्गा की जो चुंदरी है वो सलमा बनाती है, और यहां पर जो रोजेदार भाई हैं उनको यहां पर सूरज इफ्तारी करवाता है। तो ये काशी है, यहां के हर गली हर चौराहे पर आपको वो तहजीब का संगम देखने को मिलेगा जो नज़ारा दिखाई देता है। तो आज की इस परिचर्चा में हम जान लिए कि जो आजकल लाउड स्पीकर का जो माला जपा जा रहा था आम जनताओं को लेकर के क्या सोचती है। तो भैया सुन लिया, लोगों ने कहा कि हमें इस तरीके की राजनीति से मतलब नहीं है, रोटी और रोजगार की बात होनी चाहिए, जो सही भी है भैया, कहा कि सरकार ने फैसला एकदम सही लिया हुआ है कि न मंदिर पर लाउड स्पीकर बजेगा न मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजेगा, समाज में समरसता जरूरी है। तो भैया आज की इस परिचर्चा में बस इतना ही, बाकी ई टीवी आपको डाउनलोड करते रहो, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए बात के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दो। हर हर महादेव।